नाज़रीन, जैसे कि हर दफा एक पर्सनालिटी से आपका मीटअप करवाती हूँ, इसी तरह आज लेकर आई हूँ एक ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। जी हाँ, अभी उसका जो नेम है वो रिवील नहीं करूँगी, अंदर जाऊँगी और जो है उनसे मिलवाऊंगी। और ये भी बताती चलूँ, आपको एक छोटा सा हिंट दे दूँ कि वो अपनी किसी ना किसी बात की वजह से जो है हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी गेस्ट की जानिब। सो प्लीज वेलकम हरीम शाह। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। फाइनली 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 आज हरीम शाह जो है वो हमारे साथ है, यानी कि वॉन के साथ है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो इतने बिजी शेड्यूल में से अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। नहीं, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्टक थी, इतने दिनों से सोच रहे थे आपके साथ, बट आज शायद अल्लाह ताला को मंजूर था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो चलते हैं थोड़ी गपशप की जानिब। तो हरी, मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो अभी एक न्यूज़ आई है कि लंदन ने जो है वो अपनी कमेटी के लिए आपको सीनियर कन्वीन्स आई थिंक मुकर्रर किया है, एमक्यूएम वाला। तो मुझे बताएं, उसके ऊपर ना काफ़ी मीम्स आ रहे हैं, लाइक वो कहते हैं कि अब तो जो है हरीम हरीम बाजी हो गई है, अब तो बाजी कहना है हरीम को। तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये अब मैं भी बाजी कहूँ आपको? नहीं, आप बाजी नहीं बोले, जो आपका दिल चाहते वही बोले। नहीं, हम तो हरीम ही बोलेंगे। लेकिन एक बात बता रही हूँ, पब्लिक के ये इस तरह के मीम्स आ रहे हैं और इस तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं, अब तो हरीम बाजी हो गई है। ये बताएं आजकल मतलब लाइफ कैसी चल रही है? अभी एक साल बाद आप पाकिस्तान आई हैं, तो कैसा फील हो रहा है और लाइफ कैसी चल रही है? ज़ाहिर है पाकिस्तान आके कैसा फील हो सकता है, अपना कंट्री बहुत अच्छा लग रहा है और स्केड्यूल वही बिजी, थोड़ा सा टफ है रूटीन। और आजकल चूँकि आपको पता है इमरान खान का लॉन्ग मार्च है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा, मुझे ये बताया, बड़ी अच्छी आपने बात की है और मैं पूछने ही वाली थी, वो अच्छा हुआ कि आपने स्टार्ट ले लिया। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहा है, तो क्या देखती हैं उस हवाले से, आपका क्या रद्द अमल है, उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इमरान खान के हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, खान साहब के साथ पब्लिक है, मेजोरिटी खान साहब के साथ है और खान साहब को पब्लिक लेके आई थी। अगर ऐसे ही हमारे ऊपर बगैर वोटों के आके नून लीग मुसलत हो गई, तो उनको हटाने के लिए, और वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से बाज नहीं आते। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। और उन्होंने खान साहब के मतलब खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए और सब मुनाफों का टोला एक साइड पे और एक साइड पे इमरान खान साहब। तो मेरे ख्याल में खान साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया और खान साहब ने साबित कर लिया और सबको बता दिया कि पब्लिक उनके साथ है। जिस तरह से मीडिया ब्लैकआउट कर रहे हैं, जिस तरह से मतलब इवन के आपने खुद देखा, हर कोई आके खान साहब के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने खान को एक इज़्ज़त दी है। उस लोगों के दिलों के अंदर से खान साहब की इज़्ज़त को वो ज़ायल नहीं कर सकते, उसके लिए वो हर हरबा आजमा चुके हैं। हर मतलब जितने भी हमारी कंट्री के पावरफुल लोग हैं जो कि कभी मीडिया पर भी नहीं आते थे, वो भी मीडिया पे आके मतलब सफाइयाँ दे रहे हैं आवाम को, तो ये सब आपके सामने है। बिल्कुल, जो अभी ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है, इसके बारे में क्या रद्द अमल है? जो ये औरत मार्च किया जाता है, बुरका मार्च हो रहा है, अब ये वो ट्रांसजेंडर का जो बिल पास हुआ है, इस हवाले से क्या कहती हैं? देखें, औरत मार्च जो हो रहा है, तो उसमें तो बेहयाई को प्रमोट किए जाते हैं और ऐसे ही उसको, तो जिस खास मकसद के लिए मार्च होना चाहिए वो तो है ही नहीं। मतलब औरत की एजुकेशन पे, औरत की जॉब पे, औरत के बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके वही बात है, मेरा जैसे मेरी मर्जी, इन चीज़ों को तो प्रमोट में भी नहीं करूँगी, क्योंकि इस्लामी मुआशरा है और ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना और वो करना। और जहाँ तक ट्रांसजेंडर एक्ट है, तो और तरह से भी ट्रांसजेंडर एक्ट को कौन से हकूक मिले आज तक? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट के हकूक तो क्या, उनको बाहर की कंट्री के वीज़े तक नहीं दिए जाते, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, उसमें होना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने इससे ये किया कि जैसे लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल वाज़ है। अगर देखा जाए इस तरह, तो फिर हम पे भी कौमी लुत का अजाब आएगा और इन चीज़ों को वो। लेकिन मैं कहती हूँ ट्रांसजेंडर के बहुत सारे हकूक, उनको जॉब दी जाए, उनकी एजुकेशन का वो किया जाए, उनको एक मकाम दिया जाए, मतलब वो भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें, उन पर मुजालम ना डाले जाएँ। तो जहाँ तक उनके जुल्म की बात है, तो उस पर मैं ट्रांसजेंडर के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि आपको पता है ये बहुत मजलूम कौम है। मुझे ये बताएं कि सोसाइटी, जिस तरह की मैंने अभी जिक्र किया था कि बहुत टिपिकल सोच है हमारे लोगों की, हमारी सोसाइटी की, नेगेटिव चीज़ों को क्यों ज़्यादा ऊपर लेके चला जाते हैं?
क्योंकि हम सारे यहाँ पे मेजोरिटी नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी को ही प्रमोट करेंगे. हम लोगों की मेंटेलिटी इतनी चीप है कि हम मतलब यहाँ पे एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे को लेट डाउन करना, डिग्रेड करना और एक दूसरे की पुश्त पे चढ़ के वो करना, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं. हम यहाँ पे लाइक पॉजिटिव चीज़ों को देख ही नहीं सकते, पॉजिटिविटी की तरफ जा ही नहीं सकते, तो ये सारी की सारी इलिटरेसी है. तो इलिटरेसी को हमारे अंदर से जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तो हम कैसे पॉजिटिव बनेंगे. तो ये सब मतलब हमारी कंजर्वेटिव सोच है, तो हमारी नेगेटिव सोच की वजह से ये सारे इकदाम होते हैं. अच्छा हरी, मुझे ये बताएं कि औरत को ही क्यों ज़्यादा नेगेटिव करार दिया जाता है? मर्द भी तो गलत होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि औरत का ही हाथ हो, मर्द भी तो गलत हो सकता है. लेकिन यह है कि अगर मर्द गलत है तो फिर भी कहते हैं नहीं औरत गलत है, औरत ने ही कुछ किया होगा. क्यों? मैं ये औरतों के लिए कहूँगी कि क्यों खामोश रहती हैं, अपने हकूक़ के लिए बोलना सीखें और शहरों की तरह ज़िंदगी जिएं. अगर आपको कोई भी लेट डाउन कर रहा है या माशरे में आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही या आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, तो आप जब अपने लिए ख़ुद स्टैंड नहीं करोगे, अपने हकूक़ के लिए जब खुद उठ के खड़े नहीं होगे, कोई दूसरा तीसरा आपको कभी भी हकूक़ नहीं दे सकता. तो यहाँ पर फिर आपके हकूक़ की पमाली ही होगी. तो आप ख़ुद स्टैंड करें ना, अपने अंदर से डर को, अपने अंदर से खौफ को निकालें. मर्दों के हवाले से क्या कहती है, अगर मर्द समझता है कि वो शेर हो गया उसके डर और खौफ की वजह से औरत, लेकिन औरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है और समझता नहीं मेरे जो है वो डर और खौफ की वजह से, वो तो अपने आप को बहुत पता नहीं 30 मार कहाँ समझ रहा होता है. मैंने पहले भी मर्दों के बारे में एक बात की थी आपके प्लेटफॉर्म से की थी, जो काफ़ी वो हुआ था. तो मैं मर्दों को यही कहूँगी कि मर्द का बच्चा बने. मर्द का बच्चा बन या यही कहूँगी, देखें औरत और मर्द दोनों के लिए इस्लाम में हुकूक है और अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरत पे कवाम बनाया है और औरत का इस मुआशरे में बहुत बड़ा मकाम है. तो मेरे ख्याल में औरतों को मर्द का मकाम और मर्द को औरतों का मकाम समझना चाहिए. बिल्कुल. तो हम जब तक बिल्कुल यहाँ एक फनी सी बात आई है वो हरीन से मैं ज़रूर करूँगी. अच्छा बात मैंने की है औरत मार्च के हवाले से, अगर कभी सुनने में आया, बल्कि मुझे लग रहा है कि सुनने में जो है वो आने वाला है, तो मर्द निकल बड़े वही मर्द मार्च करने फिर. देखें जहाँ पे औरतें, मेरे ख्याल में औरत मार्च कर सकती हैं, तो कहीं पे मर्दों के अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है तो मर्दों को भी हक है. तो मतलब ये नहीं, देखें औरत और मर्द मसावी हैं, मेरी नज़र में मसावी हैं वो, मेरे नज़र में औरत और मर्द इक्वल हैं, क्योंकि इस्लाम ने औरत और मर्द को दोनों को बराबर के हकूक़ दिए हैं और दोनों के लिए बराबर की सज़ाएँ मुकर्रर की हैं. तो हम खुद अगर औरत को औरत और मर्द को मर्द वो करके, तो हम खुद इन चीज़ों को एक गलत रुख की तरफ लेके जाते हैं. तो औरत को चाहिए मर्द को उसका मकाम दें और मर्द को चाहिए कि औरत को उसका मकाम दें. तो हम दोनों को यहाँ पे मिलजुल के कम्प्रोमाइज़ करना होगा. अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो है केस आपका एक चल रहा है FIA के हवाले से, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल हमें दे, क्या सीन है, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? वो लंदन में एक वीडियो बनाई थी तो उसके अगेंस्ट जो आप लेकर गई थी एयरपोर्ट पे. अभी उसका स्टेटस यही है कि मतलब लाइक अभी इन्वेस्टिगेशन है. एक ही दफ़ा मैं गई थी, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया था. बाकी कोई FIR ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी थी. तो अब जो भी उसका स्टेटस होगा तो मीडिया को मेरे ख्याल में उससे पहले पता चल जाएगा. इस आर्मी के भाई हरीम की जो है वो कोई चीज आए और लोगों को फौरन आग की तरह फैलती है, मतलब मीडिया पे आ जाएगा इंशाल्लाह, तो आपको पता चल जाएगा. लेकिन बेहतर होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा मेरे ख्याल में. बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक आपके हक में जो हुआ बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, इंशाल्लाह आगे भी जो होगा. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें.